नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाल शर्मा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जान सकते हैं हाथ पर नाम लिख वशीकरण करने के उपाय, नाम से वशीकरण कैसे करें और ये कैसे होता है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं ये वशीकरण कैसे किया जाता है और आप किसी से अपनी बात से परेशान हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हाथ पर नाम लिखकर वशीकरण, दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं उसका शीर्षक है हाथ पर नाम लिखकर वशीकरण, यानी कि हाथ पर नाम लिखकर किसी को वशीभूत कैसे करें, इस बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक दोस्तों देखना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे हाथ पर नाम लिखकर हम किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं, किसी को वशीभूत कर सकते हैं। दोस्तों, क्या यह संभव है? तो हम आपको बता दें, जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है। आप किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं, वह भी अपने हाथ पर नाम लिखकर। कैसे, आइए जानते हैं। यह उपाय है बहुत छोटा सा लेकिन है बहुत लाभकारी। अगर आप बिना किसी परेशानी के इस टोटके को अपना सकते हैं तो हम आपको दावे के साथ दोस्तों कह सकते हैं दुनिया में किसी भी शख्स को आप अपने हाथ से नाम लिखकर वशीकरण कर सकते हैं, वह भी हथेली पर उस पर शख्स का नाम लिखकर। दोस्तों, जी हाँ, इस वशीकरण के टोटके में सिद्धि पाने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला है इलायची और दूसरा लाल स्याही वाला पेन। इन दोनों चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इलायची और लाल पेन सबसे पहले आप बाज़ार से जाकर खरीद कर लेकर आएँ। कितने का, कोई निश्चित समय दोस्तों, कोई किसी प्रकार का निश्चित दिन नहीं है। आप किसी भी दिन खरीद कर ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के ज्योतिष आचार्यों का भी यही मानना है दोस्तों कि अगर वशीकरण के टोटके आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आपको उचित परिणाम भोग करना हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इनका सही कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपको रात के 12 बजे के बाद उपाय करने से इसमें सफलता बहुत जल्दी मिलती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप 12 बजे के बाद इन टोटकों करें। इसलिए आधे रात में ही किया जाने वाला टोटका लाभकारी है, क्योंकि उस वक्त परिवेश भी शांत होता है और शांत परिवेश में तो आप टोटका करना बहुत ही अच्छा होता है। हाथ पर उस व्यक्ति का नाम लिख आपको एक वशीकरण मंत्र का जाप करना है 321 बार। दोस्तों, वशीकरण मंत्र हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने इसका ही जाप करना है। जाप करने के बाद और जैसे ही आप 51 बार इस मंत्र का पढ़ लें और वैसे ही आप उन दो इलायचियों को किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां पर कोई ना देख पाए, कोई इसे छू ना पाए। जब इलायची सूख जाए तब आप इलायची को पाउडर करके उस व्यक्ति को खिला दीजिए जो आपसे वश में करना चाहते हैं, जो आपका प्यार है, जो कोई दुश्मन है दोस्तों। उसकी तस्वीर में ही अगर आप उसे खिलाएंगे, अगर आपसे दूर है तब भी आप इस कार्य को संपन्न कर पाएंगे। व्यक्ति जल्दी जल्दी वशीभूत हो जाएगा और आपके सक्षम वापस लौट आएगा, आपके इशारों पर चलना शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर इससे संबंधित कुछ और उपाय टोटके जानना है, कोई और परेशानी हो तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।